यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं फेक पिक्सल स्काई ब्लॉक के एक और न्यू वाले वीडियो पर। तो इस वाले वीडियो में हम लोग ढेर सारा ग्राइंड करने वाले हैं, जैसे कि मैं रिसेंट वाले एपिसोड से बोलते आ रहा हूँ, हमें किसी भी हाल पर कॉम्बैट लेवल 20 पहुँचाना ही पड़ेगा। तो इस वाले एपिसोड में पूरा जी जान हम लोग लगा देने वाले हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। यहाँ गैज मैं इससे पहले भी आपको बताया था, अगर कॉम्बैट सबसे ईजी अगर आप कलेक्ट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा कॉम्बैट स्किल वगैरह, या फिर अगर आप ज़ॉम्बी अच्छे से अच्छे मारने चाहते हैं, तो आपको गैज द इंड पोर्टल आना होगा। यही एक लोकेशन है जहाँ सबसे फास्ट आप कॉम्बैट स्किल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई वैसे जगह नहीं है। अगर आप घोल केव जाते हैं, वहाँ पर भी आपको कम लेवल के ज़ॉम्बी वगैरह देखने को मिलते हैं। ओके, तो गैज यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जाने वाले हैं दी एंड पर। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, दी एंड गैज आपको जो केवी आर्ट है ना, इसके बाद स्पाइडर डेन के जस्ट सामने ही दी एंड का पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए शायद से 15 या फिर कुछ तो कॉम्बैट स्किल चाहिए होता है। तो यहाँ पर गैस मेरा ऑलरेडी अनलॉक था दी एंड, मैंने शायद से बहुत पहले वाले वीडियो में बताया था। आप अगर नहीं पता है मैंने दी एंड फास्ट ट्रेवल कैसे अनलॉक किया, तो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं जो है एंडरमैन को मार रहा हूँ। देखो गैस, यहाँ पर एंडरमैन का मैं लेवल बता रहा हूँ। अगर आप जैसे दी एंड आते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको 4200 के आसपास के हेल्थ वाले एंडरमैन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप नॉर्मल हो तो 4200 वाले आराम से आप मार सकते हो। आपको चाहिए भाई इससे थोड़ा सा हाई लेवल की, तो आप डायरेक्ट गए नीचे कूद जाना, जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे कूद के आया हूँ। यहाँ अगर आप आते हो तो यहाँ गए आपको आराम से 9000 के आसपास के एंडरमैन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, मान लो आप ये दोनों भी इजी मार दे रहे हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, तो आप गाइज यहाँ पर वार्प टू वॉइड, एक यहाँ पर पोर्टल है, ओके, एक्चुअली टेलीपोर्टर है, तो यहाँ पर आप टेलीपोर्ट होके जस्ट इस उस पार जा सकते हो। लेकिन यहाँ थोड़े ज़्यादा हाई लेवल के एंडरमैन देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर आपको मुझे लगता है 4-5 लाख आसपास के एंडरमैन वाले लेवल, एक्चुअली मतलब लेवल 50 के, आसान भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर आपको एंडरमैन देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर इनसे मर रहे हो, जो कि मैं मरता हूँ, तो आप 9000 से काम चलाओ, या फिर थोड़ा सा कम लेवल के हो तो 4200 जो कि दी एंड पर ऊपर में ही देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे नीचे आओगे 9000 वाले जो एंडरमैन होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद जैसे ही पूरा का पूरा नीचे आ जाते हो, इसके बाद नीचे से अगर आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हो तो यहाँ एक और जगह है जो कि मैं शायद से आपको बताने भूल गया था। दरअसल ये जो जगह है, यहाँ पर आप आओगे तो जस्ट ऊपर में गाइज जलता हुआ कुछ गेट टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ गाइज जस्ट थोड़ा सा ऊपर की ओर आना होगा। ऊपर आओगे, यहाँ पर ये जो 9000 के एंडरमैन देखने को मिल रहे हैं ना, यहाँ पर ड्रैगन नेस्ट ये जगह का नाम है। तो आप यहाँ पर आओगे तो ये जो यहाँ एंडरमैन का हेल्थ है, ये 9000 से और ज़्यादा बढ़ के ये गैज 13000 पहुँच जाता है। तो आप गैज इससे जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल के एंडरमैन को मार सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग 2-3 टाइप के ज़ॉम्बी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इन्हें मारते हो तो ये ऑफ्सीडियन आपको ड्रॉप करते हैं, ये इनका हेल्थ 13000 है। और ऐसे ही गैस स्केलेटन का तो एक होता है ना बड़ा भाई, पता नहीं यहाँ पर अलग अलग नाम के ज़ॉम्बी वगैरह हैं, तो यहाँ इन सब से भी मार के आप आराम से कॉम्बैट स्किल बढ़ा कर सकते हो। देखो, 2-3 जगह है जो कि आप सबसे फास्ट कर सकते हो दी एंड में, बाकी और कहीं वैसा नहीं है। दी एंड पर पहला लेवल 4200 के आसपास की हेल्थ वाले मिलेंगे। अगर वो इजी सक रहे हो तो सबसे नीचे आ जाना, 9000 में दिखाया, इसके और आओगे तो यहाँ पर 12-13000 के आराम से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ गैस अगर इन्हें मारते हो तो सबसे फास्ट, मिनियन कुछ नहीं है इसके आगे, ठीक है, सबसे फास्ट आप यहाँ पर अपना कॉम्बैट स्किल को सबसे फास्ट गैज इंक्रीज कर सकते हो। तो वही गैज मैं यहाँ पर करने आया हूँ। ओके, ये सब यहाँ पर करने के बाद हम लोगों का थोड़ा सा लास्ट बचा हुआ था, मतलब कि देखो मैं पहले देख के आया, और इसके बाद वैसे मैं पिछला 3 दिन से गैज दी एंड पर ही ग्राइंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ अगर आप मिनियन वगैरह का वेट करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। दिक्कत मीन्स गैज जो चीज़ आप एक दिन में कर सकते हो मिनियन का हेल्प से, वो 3 से 4 दिन
लग सकते हैं, तो मैं 4 दिन एक्स्ट्रा क्यों वेट करूं भाई। तो यहाँ मैं पूरा का पूरा सब चीज़ को मारा और फाइनली हम लोगों का यहाँ पर 20 लेवल कॉम्बैट पहुँच चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और मैं ये सारा जॉम्बी वगैरह को जब मैं मार रहा था ना, तभी मैं बोला था ना ऑक्सीडन ड्रॉप करते हैं, तो ऑक्सीडन मिनियन भी हम लोगों का अनलॉक हो चुका है, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें फ्री का ऑक्सीडन भी अनलॉक हो चुका है, अब मैं ऑक्सीडन मिनियन या फिर मुझे लगता है मेरे चेस्ट में ऑलरेडी ऑक्सीडियन मिनियन जो है वो बने रहेंगे। अब बारी आती है गैस सुपरियर ड्रैगन आर्मर पहनने का, वैसे मेरे पास ऑलरेडी था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसका एक अलग वीडियो ले आऊँगा कि आप कैसे बना सकते हैं। एक्चुअली फ्रेगमेंट आपको बाय करने होते हैं, इसके बाद आप क्राफ्ट वगैरह करके बाद में इंचांट वगैरह या फिर जो भी आप रिफोज वगैरह करना चाहते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने आइलैंड पर चले आता हूँ। देखो ये सारे जॉम्बी वगैरह को तो मैंने मार दिया, अब बारी आती है एक बार सुपीरियर आर्मर को पहनने की, और फिर हम लोग इसके बाद यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं कि अब हम लोगों का हेल्थ कितना है और डैमेज वगैरह कितना बढ़ चुका है। ऑब्वियसली डैमेज वगैरह तो बढ़ेगा कुछ ना कुछ, तो हम लोग ये सब ही अभी ट्राई कर लेते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने आइलैंड पर, मैं जल्दी से ये जो यहाँ पर हम लोगों का सुपीरियर आर्मर है इसे हम लोग फटाक से पहन लेते हैं। ये मैं पहन लिया, पहनने के बाद हेल्थ देख लो गाइस आराम से 1K हो चुका है भाई, मतलब कि 1100 का हेल्थ। कॉम्बैट मतलब डिफेंस की बात करूं तो 890, और माना हमें यहाँ 400-500 के आसपास आराम से देखने को मिल रहा है। अभी मैं अगर यहाँ पर मारता हूँ तो मैं आराम से मार सकता हूँ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मुझे अपना खुद का जो हेल्थ है इससे मुझे यहाँ फेरी सोल खोज के कहीं ना कहीं इंक्रीज करना होगा। अभी मान लो मैं पूरा का पूरा आर्मर खोलता हूँ नॉर्मल, तो मेरा नॉर्मल हेल्थ होगा 120 या 130 के आसपास, जबकि अगर आप फेरी सोल पूरा का पूरा कलेक्ट करते हो तो आप अपना परमानेंट जो हेल्थ होता है ना वो आप 500 तक 500 से प्लस आराम से कर सकते हो। तो मान लो अभी मैं 500 हेल्थ किए रहा था, तो अब ये मेरा हेल्थ बढ़कर आराम से 1500 तो पहुंच ही जाता, कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं थी। तो मैं आया, ग्राइंड किया, थोड़ा सपोर्ट एक्स्ट्रा आपको डैमेज और हेल्थ यहाँ देखने को मिलता है, तो ओपी है यहाँ पर ये सुपीरियर आर्मर सच में। आराम से आप चाहे तो बहुत सारे मिशंस वगैरह कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ कौन वाइब दिया था मुझे याद तो नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्या है कि इस आर्मर पर सब चीज़ पहले से लगे हुए हैं। ये सब पहनने के बाद मैं यहाँ फिर से दी एंड आया, और इसके बाद को अपना शॉर्ट वगैरह चलाया, तो शॉर्ट का डैमेज ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ चुका है। तो आप भी ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर बना सकते हो। आई नो बहुत सारे बंदे को पता होगा, बहुत सारे बंदे को नहीं पता होगा, बट कोई बात नहीं, मैं इसका सेपरेट वीडियो अलग से लाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे आप, अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे आप बना सकते हो। बट याद रहे गाइस, आपके पास कॉम्बैट स्किल 20 अनलॉक हुए रहना चाहिए, तब इसका आप यूज कर पाओगे, वरना आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। तो फाइनली हम लोगों का सपना बहुत दिनों के बाद पूरा हो चुका है, 20 का जो कॉम्बैट स्किल लेवल था वो हमने टच कर लिया, और अभी नेक्स्ट और भी ग्राइंड करेंगे। बाकी कैसे लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो गाइस मिलते हैं इस तरह के और भी मस्त वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, अभी के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।